नमस्कार भाइयों, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका गाइड, मोटिवेटर और मुख्य रूप से एक शिक्षक। आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो एक महान क्रांतिकारी के लिए चेतना के स्रोत हैं। और मैं जिस महान क्रांतिकारी की बात कर रहा हूं वो महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, हमारे दिलों पे राज करने वाले भगत सिंह हैं। आज भी इस देश की युवाओं पर अगर कोई महान क्रांतिकारी राज करता है तो एकमात्र भगत सिंह है। और मैं उन्हीं भगत सिंह की जीवन से जुड़े हुए कुछ बातों को आपके सामने रखने वाला हूं। जीवन जो उनके ऊपर असर पड़ा, उनके जीवन पर प्रभाव डाला, वो उन घटनाओं के बारे में मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं। भगत सिंह के जीवन पे किन महान व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। आज की जो कथा है वो 1675 ईस्वी की है, जिस समय भारत पर मुगल सत्ता राज कर रही थी। चारों तरफ इस वक्त जो है धर्म परिवर्तन का काल चक्र चल रहा था। मुगल सत्ता का बादशाह, यूं कह लीजिए शहंशाह, आदेश दे चुका था कि जो भारत में जो उस वक्त हिंदू या सिख हैं उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप इस्लाम को कबूल करें, और जबरन हिंदुओं को और सिखों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और जो लोग इस धर्म को, इस्लाम को कबूल नहीं करते थे उनके ऊपर यातनाएं ढाई जाती थी, कहर बरपाया जाता था, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था, सर कलम कर दिया जाता था, कभी कभी उनके अंगों को भी काट करके रेंगने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसी समय की एक संध्या की बात है, पर घटना के जिक्र करने के पहले मैं आपके सामने जफर इकबाल साहब की दो पंक्तियां गुनगुनाने जा रहा हूं। वो पंक्तियां इस प्रकार है, सूरज हूं जिंदगी का चमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, अगर डूब गया तो अपनी सबक छोड़ जाऊंगा, अपनी शफक छोड़ जाऊंगा। देखिए, जफर इकबाल साहब ने साफ रूप से कहा, जहां इन पंक्तियों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जब सूरज आसमान में खिला होता है तो वो रोशनी अपने चारों तरफ फैलाता है, और जब डूब जाता है तो अपनी यादें छोड़ कर जाता है, अमिट पहचान बना कर जाता है कि डूबने के बावजूद भी उसकी रोशनी हम तक पहुंचते रहती है। ये सबक है, सबक है। अब उस दिन की घटना बता रहा हूं जहां पर पंजाब में गुरु तेग बहादुर अपने कुटिया में, अपने आश्रम में बैठे थे, और कुछ लोग आए हुए थे। उन लोगों की हालत और दशा इस प्रकार थी कि उनके शरीर, उनके अंग कटे छटे थे, कई जगह पे बहुत सारे घाव थे, और अपने दुख को बताते समय उनके आंखों में मोटी मोटी आंसू भी थी, दर्द के आंसू थे। इस बीच में गुरु तेग बहादुर का बेटा बाल गोविंद अपने पिता के गोद में बैठते हुए पूछता है, बाबा अगर इस देश का शासक ही इतना जुल्मी है तो इस देश का क्या होगा। गुरु तेग बहादुर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बेटा अगर इस देश का एक व्यक्ति भी, एक व्यक्ति जो सच्चा और ईमानदार है और अपने प्राणों की कुर्बानी देना चाहता है तो ऐसे शासक को उसकी गद्दी से हटाया जा सकता है। इस जवाब को सुनकर के बाल गोविंद तुरंत कहते हैं, तो पापा आप अपनी, बाबा आप अपनी कुर्बानी क्यों नहीं देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा ईमानदार और सच्चा ही इस देश में कोई होगा। यह बात सुन करके
उनके मुख से अनायास निकला हे रब। और आसमान की तरफ देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया और अपने पुत्र को कहा क्यों नहीं बेटा। अब जो है वहां बैठे हुए लोगों के सामने कहा गुरु तेग बहादुर ने कि अगर आपसे धर्म परिवर्तन की बात कही जाए तो आप कह देना कि बाबा गुरु तेग बहादुर अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो हम सब सिख इस्लाम कबूल कर लेंगे। और क्या था, वो वहां से चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद जो है मुगल शहंशाह बादशाह कह लीजिए, वो आदेश देते हैं कि गुरु तेग बहादुर को बुला कर लो, गुरु तेग बहादुर को यहां मेरे कोर्ट में लेकर आओ, मेरे सामने पेश करो, जंजीरों में जकड़कर गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाता है 1675 ईस्वी। आप समझ सकते हैं मैं किस मुगल बादशाह की बात कर रहे हैं, मैं और किसी के नहीं, मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं। वो धर्मांध हो चुका था, धर्म में, इस्लाम में, इस्लाम के धर्म में वो इतना अंधा हो चुका था कि वो मानवता और दूसरे धर्मों के प्रति उसके मन में कोई समानता, कोई आदर नहीं था। यहां तक औरंगजेब ने अपने ही बाप दादाओं को भी गलत ठहराया। औरंगजेब कहता है कि मैं अगर अकबर हुमायूं और जहांगीर के समय होता तो मैं भारत को, हिंदुस्तान को कब का इस्लामिक देश बनाकर रख दिया होता। तो इस प्रकार औरंगजेब धर्मांध हो चुका था, उसके दिलों में सिर्फ एक बात थी कि इस्लाम को कैसे फैलाया जाए। सिर्फ यही सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा था। यही वजह था कि लोगों पर वो दबाव बनाया हुआ था, हिंदुओं और सिखों पर दबाव, डरा धमका करके उससे धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, धर्म का परिवर्तन। जब गुरु तेग बहादुर को उसके दरबार में लाया गया तो औरंगजेब कहता है, मुगल बादशाह कहता है कि आप तो बड़े रसूख वाले इंसान हैं और अगर आप इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आपकी तो लोगों में बहुत पहचान है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, और आपके कर लेने के बाद आपको जो अनुसरण करते हैं वो अपने आप स्वतः इस्लाम कबूल कर लेंगे। यह सुनकर के गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म आपके धर्म से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हमारे धर्म में सभी धर्मों का सम्मान करना हमें सिखलाता है। हमारा धर्म किसी को मजबूर नहीं करता कि उस धर्म को अपनाया जाए। इस आधार पर हमारा धर्म जो है आपके धर्म से बेहतर है। उसी बीच में वहां मौजूद मौलवी ने कहा, धर्म कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि सभी धर्मों में तो एक ही बात कही गई है कि सभी धर्मों के लोगों के प्रति प्रेम रखना और समानता के भाव रखने चाहिए। यही तो सुनना चाहते थे तेग बहादुर। इस पर ही गुरु तेग बहादुर ने कहा कि जिस धर्म को बचाने के लिए शासक धर्मांध हो जाए, लोगों को मजबूर करे कि उसे अपना धर्म को त्याग करके इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, उसे कैसे कहा जा सकता है कि वो धर्म बेहतर है। जब सभी धर्मों में एक समान बातें लिखी गई हैं तो धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है? ये मानवता का हनन है। ऐसे बातें कहते हुए बीच में मौलवी भी कहते हैं, आपका कहना सत्य है कि धर्म जीने की कला है और हर एक धर्म की धर्म ग्रंथों में सभी धर्म के प्रति जो है समान भाव रखने की बात कही गई है। मौलवी सहनशाह से कहता है कि हमें कदाचित इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए कि जबरन किसी भी व्यक्ति को इस्लाम कबूल करवाया जाए। जो स्वेच्छा से इस्लाम कबूल करना चाहता है उसे ही इस्लाम कबूल करवाया जाना चाहिए।
इस पर मुगल बादशाह कहता है, मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी, मैं जो तुम्हें आदेश देता हूं तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। मौलवी बेचारा शांत हो जाता है और मौलवी कहता भी है कि जिस आदेश को मानने से दिल गवारा ना करे, मन गवारा ना करे, आत्मा गवारा ना करे, इस्लाम गवारा ना करे, उसे कैसे पूरा किया जा सके। गुरु तेग बहादुर की बातों को सुन करके मुगल बादशाह का खून खौल उठता है, उसे गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त आदेश देता है कि इसे ले जाकर इसका सर कलम कर दो। पूरे नगर में आदेश ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि गुरु तेग बहादुर को का सर कलम किया जाएगा और फिर अगले दिन उस जगह पे लाया जाता है जहां पे गुरु तेग बहादुर के सर को कलम करना होता है। आसपास उस जगह पे हजारों की संख्या में लोग आ गए थे और जो सर कलम करने वाला व्यक्ति था उसने गुरु तेग बहादुर से कहा कि गुरु तेग बहादुर से कहा, यहाँ पर तुम्हारे बहुत रसूख वाले लोग भी पहुंचे होंगे जो तुम्हें मानते हैं, जो तुम्हारा अनुसरण करते हैं, क्या वो उनके लिए तुम कोई चमत्कार करोगे? गुरु तेग बहादुर ने कहा, मेरी कुर्बानी ही मेरी सबसे बड़ी चमत्कार होगी, मेरी कुर्बानी ही मेरी सबसे बड़ी चमत्कार होगी। और क्या था, इस बात को सुन करके उसे भी गुस्सा आ गया। और उसी वक्त गुरु तेग बहादुर को खामोश रहने की बात करता है और जल्लाद ने इसके बाद गुरु तेग बहादुर के सर को कलम कर दिया। ये घटना और ये कहानी भगत सिंह के जीवन पर, भगत सिंह के ऊपर गहरी और अमिट छाप छोड़ जाती है, गहरी और अमिट छाप छोड़ जाती है। और इससे प्रभावित होकर के गुरु तेग बहादुर से प्रभावित होकर के उनके इस मार्ग पर चलने का वो प्रयास करते हैं। अगर ये कहानी, ये बातें आपको अच्छी लगे तो मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कई मजेदार वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।